व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेडमी नोट 10 का पबजी गेम टेस्ट और कॉलर ड्यूटी गेम टेस्ट। आज हम इसका गेम टेस्ट करेंगे, जो कि पबजी गेम टेस्ट भी करेंगे और कॉलर आईडी गेम टेस्ट भी करेंगे और कॉलर ड्यूटी, और इसके अलावा हम इस पे ये भी टेस्ट करेंगे कि इसकी हीट और बैटरी की क्या परफॉर्मेंस है। ये रिसेंटली मार्केट में न्यू फोन आया है और ये सुपर एमोलेड पैनल के साथ है, तो हम इसको आज टेस्ट करेंगे और इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, जो मेरे लिहाज से मैंने इसको पर्सनली यूज़ करके किया। जो इसकी हैंड फीलिंग है वो तो यार अमेजिंग है, जो सेट की वैसे पकड़ना हैंड फीलिंग और यूज़ ऐसे लगता है आप 1 लाख रुपए का मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सुपर पैनल एचडी होने की वजह से, एमोलेड पैनल होने की वजह से कैमरे की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसके अनबॉक्सिंग का रिव्यू देखना चाह रहे हैं, आई बटन दिया है वहाँ पे जाके आप इसका अनबॉक्सिंग का मुकम्मल रिव्यू देख सकते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं इसके कैमरे का रिव्यू, ऊपर आई बटन दिया हुआ है उस पर वहाँ पे जाके आप मुकम्मल कैमरे का रिव्यू भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया, वहाँ से भी आप फॉलो करके ये वीडियोस देख सकते जी हैं। जनाब, सबसे पहले हम इसकी टेम्परेचर चेक कर लें, क्योंकि मोबाइल का सबसे पहले हम इसका टेम्परेचर चेक कर लें कि इसका टेम्परेचर क्या है। मैं हीट गन के साथ टेम्परेचर जो चेक किया मैंने, इसका 30 है, और इसका जो टेम्परेचर फ्रंट स्क्रीन पे जो मेरे पास टेम्परेचर आ रहा है वो भी 30 के आसपास आ रहा है। तो हम इसको आप पबजी गेम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद पबजी गेम जो हमने देखा है कि इसकी जो क्वालिटी है, बैटरी परफॉर्मेंस है, हम इसमें इसका सबसे पहले ऑन करते हैं। इसकी आपको बता दें कि ये अल्ट्रा मोड में हमारे पास 3 ऑप्शंस आते हैं, और एचडी से आगे ये नहीं जाती, एचडी से पीछे रहती है। तो मैं अल्ट्रा मोड में सेम चलाने लगा हूँ, इस गेम को प्ले करता हूँ, और प्ले करके आपको इसका जो आपको हम दिखाते हैं कि, और मैंने इसका जो जायरस है उसको भी ऑन कर लिया है कि जायरस से देखते हैं इसकी क्या परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा मैंने इसका जो ग्राफिक है वो अल्ट्रा मोड में स्नू में करके इसको प्ले कर रहा हूँ, और अभी जो गेम मैं खेल रहा हूँ इसकी जो परफॉर्मेंस है मुझे बहुत बेटर नज़र आ रही है, और इसका जो चलना, इसका यूज़ करना बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। वैसे मैंने ये चीज़ नोट की है, फोन पे सुपर एमोलेड पैनल की वजह से इसका टच बड़ा सॉफ्ट है और गेम बड़ी फास्ट खेली जाती है, और इसका यार्स तो क्या काम करता है, क्या बात है, क्योंकि ये हार्डवेयर यार्स है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर से यार्स नहीं चल रहा है। ये ओरिजिनल यार्स मोबाइल के अंदर हार्डवेयर ऑप्शन में दिया गया है, जो कि बेहतरीन तरीके ना ये परफॉर्मेंस अदा कर रहा है। गेम भी ओवरऑल बहुत अच्छी चल रही है, मैं इसको गेम खेलते काफ़ी देर हो चुकी है, काफ़ी मसलसल मैं खेल रहा हूँ, और मैच ये मेरा दूसरा मैच लगा चुका हूँ मैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है, ऐसा कोई नहीं कहीं पे डिले आ जाए। और इसकी पिंक भी बड़ी अच्छी आ रही है, और इंटरनेट की स्पीड भी काफ़ी अच्छी आ रही है। उसकी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि एक 5G G70 चिपसेट चल रहा है, इसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है इंटरनेट की भी। और मैंने अपने पर्सनली ये गेम देख रहा हूँ, पर्सनली खेल रहा हूँ, मुझे इससे बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत लुत्फ़अंदाज़ हो रहा हूँ यार। इसकी गेमिंग से, मैच खेलने से दिल भर ही नहीं रहा, दिल कर ही नहीं रहा कि इसको छोड़ दूँ या इसको लीव कर दूँ, क्योंकि इसके खेलने का मज़ा बहुत ज़्यादा है। व्यूअर्स, फाइनली हमने इस गेम को स्टॉप कर लिया है, अब हम इसका टेम्परेचर चेक करते हैं। जब हमने टेम्परेचर इसका चेक किया तो टेम्परेचर के ऊपर इसका वही कोई ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हुआ, बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ टेम्परेचर रहा है, कोई इतना नहीं हुआ कि बहुत हाई टेम्परेचर हो गया है। इसका नॉर्मल टेम्परेचर 30, 31, 38, 35, ये नॉर्मल टेम्परेचर एक किस्म का मोबाइल का होता है, इसी टेम्परेचर में ये वर्क करता रहा है, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ पबजी के हमने जो आपको टेस्ट दिखा दिया। बैटरी इसकी 10% का गिरी है, जो मैंने आपको अभी दिखा रहा हूँ इसकी गेमिंग करने के बाद। तो हम आप कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम की तरफ जाते हैं और उस गेम का भी आपको दिखाते हैं। उसमें हमें जो नज़र आ रहा है गेम में, ये चीज़ ज़रूर नोटिस किया हमने शायद, कि ये यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी गेम में आप फुल ऑप्शन मिल जाते हैं, चाहे आप लो पे खेल लें ग्राफिक पे, चाहे हाई ग्राफिक पे खेल लें, चाहे वेरी हाई ग्राफिक पे खेल लें, चाहे कितने भी पावरफुल ग्राफिक पे खेलें, ये आपकी गेम प्ले होने वाली है। जब आप प्ले गेम करके, मैंने इसको देखा है, इसको खेलते हुए देखा, एंजॉय करते हुए देखा, तो मुझे बहुत मज़ा आया है। इसकी जो फास्ट पिंक, इसकी इंटरनेट की परफॉर्मेंस, जो इसका खेलना क्या बात है, और इसको इसके कहीं पे भी मुझे इस गेम में भी डिले नहीं नज़र आया, हालांकि मैंने वेरी हाई ग्राफिक में गेम खेलता रहा हूँ,
और मुझे बल्कि मजा आ रहा है गेम खेलने का। अब मैं टाइम को थोड़ा सा कट कर रहा हूँ यार, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आधा घंटा गेम खेलूँ, आधा घंटा ही आपके साथ दिखाता रहूँ, उसमें तो बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, आपके लिए भी प्रॉब्लम। तो मैं शॉर्ट्स में इसको आपको बता रहा हूँ, मैंने कट कर दिया है गेम, कट करके मैं आपको अब इसका सबसे पहले टेम्परेचर दिखाता हूँ कहाँ तक जाता है। इसका जो टेम्परेचर है 40 तक गया है, 40 से प्लस तक गया है, और इसका जो फ्रंट LCD टेम्परेचर है 38 तक रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। बाकी ओवरऑल इसकी बैटरी सिर्फ 5% ही गई है, जो मैंने नोट की, आपने भी की होगी, सिर्फ 5% तक गई है, जो कि आधा घंटा गेम खेलने से सिर्फ 5% का बैटरी जाना वेरी गुड रिस्पॉन्स है। ये डिवाइस ओवरऑल बहुत अच्छी है। अगर आप एक गेम लवर हो और आपको गेम में इंटरेस्ट है और साथ साथ आप एक अच्छा कैमरा भी लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कंसिडर करूंगा। आप जल्दी से मार्केट में जाइएगा और नोट 10 को बाय करिएगा, क्योंकि ये परफॉर्मेंस आपके लिए इससे बेटर कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि इसके ऑप्शन हम सारे टेस्ट कर चुके हैं, इसमें पबजी गेमर के कॉल ऑफ ड्यूटी एंड अदर गेम्स इज प्रॉमिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस दिस डिवाइस। अगर आप अदर डिवाइस पे जाते हैं, आपको इस बजट में ना आपको सुपर एमोलेड पैनल मिलने वाला है, ना 5G आपको चिपसेट मिलने वाली है, तो आपको परफॉर्मेंस कैसे आएगी? इस वधिया परफॉर्मेंस है, और इसका सिक्योर मैं आपको बता दूं, 2 लाख से प्लस इसका सिक्योर है, जो कि ओवरऑल वर्ल्ड से सिक्योर देखा जाता है, वो भी बहुत अच्छा सिक्योर है। तो आपको और क्या चाहिए, आप जल्दी से जाके बाय कर सकते हैं और आपके ये चीप प्राइस में मिल जाएगी। जो प्राइस की इसकी इनवाइस है वो 32,000 है, और बाकी आपको मार्केट ओवर में डिस्काउंट के साथ ये अच्छी प्राइस में आपको 35-30 तक मिल जाएगा। जी व्यूअर्स, हमने फाइनली आपको सारे टेस्ट और सारे रिव्यू दिखा दिए हैं आपके सामने है। हमने एक एक करके रिव्यू गेम का और हीटिंग का और इसकी बैटरी का मुकम्मल आपको रिव्यू दिखा दिया है। अब मेरी जो राय है पर्सनली, वो भी मैंने आपको दे दी है। अब ये सब कुछ देख के आप क्या राय रखते हैं इसके अबाउट, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप इसका क्या एक्सपीरियंस रखते हैं। अगर आप एक इस वक्त इस हैंडसेट के यूज़र हो तो भी मुझे बताइएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हम गिवे लेके आ रहे हैं जिसमें हम नोट 10 एक मोबाइल बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। जो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करता है, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करता है, और हमारा फेसबुक को टिकटॉक में जाकर हमें तमाम सोशल मीडिया पे जाकर हमें फॉलो करता है, तो उसका नाम कुरान आजी में शामिल हो जाता है। और उसको अगली वीडियो में हम गिवे लेके ओपन कर रहे हैं, गिवे दे रहे हैं, तो आप भी जल्दी से कर लीजिएगा, शायद आप इसके गिवे में शामिल हो जाएं और आप लकी हो जाएं, ताकि आप इस गिवे में हो सकता है नोट 10 जीत पाएं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें, और हमारा फेसबुक पेज की भी बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें। और ये वीडियो कंसीडर की गई है पाकटेल डॉग PK की तरफ से, जहाँ पे आपको मोबाइल एसेसरी तमाम ओरिजिनल ब्रांडेड अडाप्टर मिल जाएंगे, चार्जर मिल जाएंगी, ट्राईपोड मिल जाएंगे, रिंग लाइट्स मिल जाएंगी, मैक मिल जाएंगे, टिकटॉक का तमाम सामान मिल जाएगा और यूट्यूब का तमाम सामान मिल जाएगा। इसके अलावा तमाम मोबाइल एक्सेसरी, ग्लास, इसके बैक केस भी मिल जाएंगे नोट 10 के। अगर आप बाय करना चाह रहे हैं, लिंक के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको फॉलो करते हुए आप बाय कर सकते हैं। और साथ प्रोमो कोड भी है जिससे आप 5% तक डिस्काउंट भी हासिल कर सकते हैं, और शिपमेंट भी फ्री होगी।